हैव अ गुड डे बच्चा, बाय बाय बाय। मैं चली गई अपने स्कूल, मैं चलती हूँ अब खुद रेडी होने। पहले कर लेते हैं रूम मैनेज, उसके बाद मैं शावर लूंगी। ले लिया है, बस जल्दी से हो जाते हैं रेडी, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम ही नहीं रहता बहुत आराम से काम करने का। तो मुझे अभी एफबी पर भी रील्स डालनी है, इंस्टा पर भी डालनी है, देखती हूँ क्या, कोई जरूरी नहीं, सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करती हूँ। चलिए चलते हैं स्कूल। अंदर थी तो कुछ पता ही नहीं चला था, पता है यहाँ पे बारिश हो रही है यार, ये देखो बड़ा अच्छा वेदर है, ठंडा भी हो रहा है। इस तरीके का है बाहर का व्यू देखिए, बारिश हुई है, सड़कें भी गीली हैं। निकल लिए हैं स्कूल के लिए, भीगी भीगी सड़कें, भीगा भीगा मौसम, अभी दिखाती हूँ आगे। ठंड पड़ रही है भाई आज से, चुकी हूँ स्कूल, वीडियो बनेगा स्कूल के बाद में। हो गया छुट्टी का टाइम, चलते हैं स्कूल से घर। चुकी हूँ घर, आज मैं अनाया से थोड़ा सा पहले आ गई हूँ, अनाया आ ही रही है बस। क्योंकि वो आज ट्रैफिक बहुत है जहाँ से अनाया आती है, तो उसको लेट हो गया है। अभी वो आके सोचेगी मैं स्कूल नहीं गई थी, इसलिए मैं जो है ना कपड़े पहन के बैठी हूँ, उसको रियलाइज़ होगा, नहीं तो कहेगी मम्मा आप स्कूल नहीं गए थे क्या। वेट कर रही हूँ मैं उसका, बस आ जाए जल्दी से। बाबू आ गया है, बाबू क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हाउ इट वाज योर डे बाबा? गुड गुड, आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ? Yeah. क्या हुआ? क्या प्यार, इधर तो दिखो तो यार, आ इधर तो आ बाबा। क्यों हैप्पी हो इतने? कुछ भी गिर पड़ोगे, क्यों खुश हो, क्यों खुश हो? जो आपने बताया। अच्छा बाबू स्कूल में कल कैजुअल ड्रेस में जाएगा प्रैक्टिस के लिए, इसलिए बाबू खुश है। वो कल मिलेंगे कॉस्ट्यूम्स, आपकी साइज का था? बच्चे को मिला। अच्छा तो उनका आ गया है, आपकी साइज का बन के आ जाएगा। ये धासु पर्सनालिटी है ना, तो इसके साइज का बन नहीं पाया है भैया। अच्छा ठीक है, अच्छा आप रुक जाओ, गिर जाओगे।
भैया कुछ कह रहे हैं, मुझे सुनने तो दो। चलो कपड़े चेंज करो जल्दी से, मैं भी चेंज करती हूँ। मैंने और अनाया ने क्लॉथ कर लिए हैं चेंज, और आज अनाया का मन था मैगी खाने का, तो मैं लेके आई हूँ मैगी अनाया के लिए भी, अपने लिए भी थोड़ी सी। ये अनाया टिफिन में खाएंगी बोल रही है, मैंने कहा ठीक है। और अनाया को पसंद है सूपी मैगी, तो बिल्कुल आधा जूस है, मतलब आधा सूप है और आधी मैगी। मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी, मेरा मन नहीं है बहुत खाने का, ना मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। सो बाबू कपड़े रख रहे, आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। अनाया आ चुकी हैं खाने के लिए, अपनी मैगी रेडी है। यस मगर अभी गर्म है तो थोड़ा वेट कर लो, ठंडी हो जाएगी खानी। तो तुम्हें ही खानी ना, और कोई थोड़ा ना खाएगा, ठंडा हो जाए। हाँ भी खा लेना, ठंडा हो जाए। किचन में मैं चढ़ी हुई चाय, मैगी के साथ मैं अपनी चाय भी ले आती हूँ, मैं छान करके लेते हैं अपनी चाय। चलते हैं अपनी चाय। अनाया मैगी खाती हो कि पीती हो बोलो? कुछ खाने को बचा ही नहीं, नहीं कुछ खाने को बचा ही नहीं, तो ये पी पी, इनको सूप चाहिए होता है मैगी का। देखो कैसे घी, देखो कुछ बचे ना, दिखाओ जरा। ओ माय गॉड, इतना गुस्सा भाई, तुम अच्छे से खा लो पहले। मेरी मैगी खत्म हो गई थी, मैं पी रही हूँ चाय, और अनाया पूरा बाउल चटके दे रही हूँ उसको। ऐसे खा रही है ना जैसे कभी मैगी मिलती ना हो इनको। दिखा दूँ मैं कैसे खा रहा हूँ? मैं चली हूँ किचन में, किचन में पालक बनाए, पालक में चढ़ा के आई थी बॉईल करने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ शाम को पालक पनीर। देखते पालक बहुत अच्छे से उबल चुकी है, मैं इसमें टोमेटो भी डाल लेती हूँ, क्योंकि जो मैं प्यूरी बनाती हूँ ना, तो बॉइल्ड ये जो है ना टोमेटो, इसके छिलका में इसका उतार लेती हूँ, फिर इसको मैं पीस लेती हूँ मसाले में। सो पालक तो बिल्कुल अच्छे से उबल चुकी है, मैं गैस कर देती हूँ ऑफ। अभी मैं मसाले भी पीस लूँगी जल्दी से, फिर बनाएंगी पनीर पालक। आ चुकी है हमारी छुटक्की, यानी छुटक्की क्या हाल है? ठीक हाल है, के सारे काम हो चुके हैं खत्म, अब छुटक्की करिए बाहर काम। छुटक्की चाय बनाए? हाँ अब छुटक्की ने रजामंदी दे दी है, तो छुटक्की के लिए बनती है चाय। चलते हैं किचन में। पीस ली है टमाटर प्यूरी, फिर हमने कट कर लिए, लगभग हमारा गरम हो चुका है। डाल लेते हैं जीरा, पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, सौते कर देंगे थोड़ी देर। लेते हैं थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला, नमक ऐड कर लेते हैं। सबको हमने बॉईल करके अच्छे से पीस लिया है, ऐड कर लिए हमने पालक, थोड़ी देर इसको पकाएंगे। हालांकि उबली हुई पालक है, उबाल के पीस ली गई है, तो इसको ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा जब तक तेल छोड़ेगी पालक हमारी, तब तक हम इसको सॉटे कर लेंगे। इधर छुटक्की की चाय भी खोल रही है, पहले छुटक्की की चाय छान के दे देते हैं। पालक हमारी अच्छे से भून चुकी है, देखें पानी बिल्कुल इसको सूख चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें पानी अपने अनुसार, जैसे हमको चाहिए वो कंसिस्टेंसी रहती है, ऐड कर देंगे। डाल लेते हैं पानी, तो खोलने देते हैं, जब पक जाएगा फिर पनीर डालेंगे। पालक अच्छे से पक चुकी है, हम इसमें डाल देंगे पनीर, बस थोड़ी देर और पकाएंगे। पनीर की सब्जी, पालक पनीर की सब्जी ऑलमोस्ट पक के एकदम रेडी है, और अब मैं करने जा रही हूँ गैस बंद। यस बहुत अच्छी सी सब्जी, बहुत सुपर हॉट है ना, तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, धुआं धुआं से दिख रहा है इसमें, तो मैं अब गैस कर देती हूँ ऑफ। पालक पनीर थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है, तो वैसे तो सब्जी पक चुकी है, लेकिन जब हम खाएंगे तो थोड़ा सा लेमन इसमें स्क्वीज कर लेंगे। यस चलते हैं अंदर, अनाया की मैम आ चुकी है, देखते हैं। आ चुकी है अनाया की मैम, गुड इवनिंग मैम, क्या हाल है मैम? हम अच्छे हैं मैम, ठंड हो गई है बस अभी। हाँ अभी बहुत नहीं हुई है, सुबह शाम की ज्यादा हो रही है ना, मॉर्निंग की और इवनिंग की बहुत। हाँ बहुत, आज तो बारिश भी हुई यहाँ पे। हाँ सुबह हुई थी, स्कूल टाइम में हुई थी बच्चा, फिर रिहर्सल कैसे हुआ?
रिहर्सल कैसे हुआ बाबा? उस टाइम नहीं हुआ ना, थोड़ी थोड़ी हुई थी मॉर्निंग टाइम में बस, उसके बाद में तो ठीक ही रहा, दिन में धूप निकली अच्छी खासी। चले ना आप ट्यूशन पढ़ लें। हो गया हमारा टी टाइम, ब्रेक टाइम है ना मैम? यस सर। कैसी बनी है चाय? बहुत बढ़िया। मेरे लिए नहीं अच्छी होगी? नहीं आपके लिए अच्छी होगी क्योंकि थोड़ी मीठी है। थोड़ी मीठी है, मतलब मेरी और मैम की चॉइस में बहुत अंतर है। मैम को चाहिए फीकी चाय और मुझे चाहिए स्ट्रॉन्ग वाली। पर आज मैम कह रही है कि मेरे मन की है। आपके मन की है। हालांकि मैंने बनाई तो कम मीठी थी। चले देखते हैं पी के। नहीं अच्छी लग रही आपको? नहीं अच्छी लग रही है। देखते हैं मेरे मन की है कि मैम के मन की। चले अब ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग लाइक वाइज। थैंक यू सो मच। हाँ आ जाए आ जाए। क्या दिखाना है? ये क्या बनाया है आपने? क्या बनाया? हार्ट। अच्छा हार्ट बनाया है। हाय। अच्छा हार्ट बना। ओ मेरे तुम्हारे हार्ट का शेप थोड़ा डिफरेंस है। अभी चाय तभी। अच्छा ये अरे वही तो दो हाउस बन गए। मैं चाय नीचे रखी हुई है तो देख लिया ना इनके आना है। कुछ हार्ट टाइप में बनाई थी वो मुझे तो समझ में आया नहीं, व्यूअर शायद आपको भी नहीं समझ में आया हो। तो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग लाइक वाइज। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। बाय बाय।